चलिए इकोनॉमिक्स में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी 9th क्लास से हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। दो चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं अभी तक। पहला चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप किए, हमने क्वेश्चन आंसर्स की बहुत लेंथ एंड ब्रेथ में ब्यूटीफुली डिस्कशन की ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप हों। नेक्स्ट चैप्टर था पीपल एज अ रिसोर्स, हमने उसे भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। आज हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एक चुनौती है भारत को, गरीबी एक चुनौती की तरह काम कर रही है अभी भी। इसके अलग अलग पहलू हैं, चैप्टर जैसे प्रोसीड करता है हमने वो हेडिंग्स बना दी हैं। पहले इंट्रोडक्शंस हैं, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एस्टीमेट्स, वल्नरेबल ग्रुप्स, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल सिनेरियो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स एंड द चैलेंजेस अहेड। सब कुछ हम अच्छे से कराएंगे, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स बुक में यूज़ किए हैं हम आज उन्हें इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम जब कल के लेक्चर में इस चैप्टर की डिस्कशन को इनिशिएट करेंगे, उसमें 2024 में जो भी रीसेंट आंकड़े आए हैं गरीबी को लेकर के, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। चुनावों के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे कि हम लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं। हम उस आंकड़े पर भी बात करेंगे कि वो किस फिगर की बात कर रहे थे। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपल एस्पेक्ट्स। शुरुआत करते हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज। देखिए, आज़ादी के बाद भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रंट पर बहुत अचीव किया। जहां 1950 से 1980 तक हम 3.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ कंटिन्यू हुए, वहीं 1980 के मिड से लेकर के आज दिन तक हम वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में शुमार हैं। हम लगभग 6 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ये एक बात। दूसरी तरफ भारत ने आर्थिक स्तर पर यहाँ भी अचीवमेंट की कि हम वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में 5th नंबर पर स्टैंड करते हैं। आज भारत आज $3.5 trillion इकोनॉमी के रूप में खड़ा है, और भारत का ये टारगेट था कि वो $5 trillion इकोनॉमी 2024 तक बनेगा। इसी टारगेट के वो साथ आगे बढ़ रहा है, और उसका मानना है कि 2028-29 तक वो $5 trillion इकोनॉमी बन जाएगा। तो हम 5वें नंबर की इकोनॉमी भी हैं वर्ल्ड लेवल पर। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी सच्चाई इसके साथ ये खड़ी है कि आज भी भारत में एक बड़ी तादाद है, मतलब हम अलग अलग कमेटीज़ को यूज़ करते हैं पॉवर्टी लाइन के मेथड्स के लिए, और मौजूदा समय में जिन आंकड़ों पर हम बात करेंगे वो तेंदुलकर कमेटी की रेफरेंसेस पर बेस्ड जो पॉवर्टी लाइन डेवलप्ड है हम उसकी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर जो दूसरी कमेटीज़ बनाई गई जिनकी रिकमेंडेशंस अभी तक स्वीकार नहीं की गई उनको माना जाए, तो ऐसा माना जाता है कि अभी भी देश में 27 से 28% जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे है। ये एक बड़ी चुनौती है। अगर भारत को डेवलप्ड नेशन के रूप में उभरना है, अगर भारत को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जिसमें ये कहा गया है कि हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है, इसे स्थापित करना है, अगर भारत को अपने रिपब्लिकन कमिटमेंट को इस्टेब्लिश करना है, तो इन सब के लिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों को भारतीय आर्थिक समृद्धि में, जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, उसमें शेयर दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि गरीबी दूर की जाए। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो मन में विचार आता है कि असल में गरीबी क्या है, हम इसको किस किस पहलू में देखें, किस किस एस्पेक्ट में, या कह लीजिए कि इसकी डायमेंशंस क्या है। सबसे पहले ये मल्टी डायमेंशनल है, ये मल्टी फेसेटेड है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हम उनको समझें इसके लिए एक शहर एक गाँव की दो स्टोरीज़ यहाँ पर ऑथर ने एक्सप्लेन की हैं एनसीईआरटी की किताब में। मैं उन दोनों स्टोरीज़ का पैराग्राफ पढ़ूंगा, इससे आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बात कि स्टोरीज से हमें कंटेंट कैसे डिराइव करना है, कैसे आउटलाइन करना है कि हमें वो समझाना क्या चाहता है, और दूसरी चीज़ ये पता लगेगा कि सीधे सीधे स्टोरीज ही नहीं कोट करनी शुरू कर देनी जब आपने अपना आंसर मेंशन करना है। तो हम इसको इंट्रोड्यूस करें, पॉवर्टी आपको मल्टीफेसेटेड मैनर में समझाएं, इसके लिए ज़रूरी हम कहानी पढ़ें। हम कहानी आपके सामने पढ़ते हैं और साथ के साथ हम उसे अंडरलाइन करते जाएंगे। तो टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, वन इज़ इन द अर्बन एरिया, अनदर वन इज़ इन द रूरल एरिया। वी विल डिस्कस दोज केसेस। द केस नंबर वन, ये मैंने आपको दिखा दी है, आप थोड़ा जूम करिए, ये स्टोरी दिख जाए बच्चों को। तो टू टिपिकल केसेस में दिस इज द अर्बन केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये जो व्यक्ति आपको सामने नज़र आ रहा है ये लगभग 33 इयर्स का है और ये एक व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है। ये इसके माता पिता हैं जो गाँव में हैं, इनके साथ नहीं रहते हैं। ये इसकी बीवी है जो इनके घर में काम करती है। ये इनका सबसे बड़ा बेटा है जो यहाँ पर चाय वाली दुकान पर लगा हुआ है, और ये दो बच्चे भी, सॉरी, इसी के दो बच्चे और भी हैं जो यहाँ पर दिखाए नहीं गए हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति खुद है, एक इसकी बीवी है, एक बच्चा चाय की दुकान पर है, 3 बच्चे और हैं, इसके टोटल 4 बच्चे हैं। ये 6 मेंबर हैं जो शहर में रह रहे हैं, और एक इसके माता पिता हैं जो गांव में हैं।
इसी को बैकड्रॉप में रखते हुए ये स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है, जिसको हम पढ़ेंगे और साइड के साइड में आपको समझाऊंगा कि आपको गरीबी को इस स्टोरी से कैसे डिड्यूस करना है। चलो। 33-year-old राम सरन वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। ओके, सो यहाँ पर पहली चीज़ आ जाती है दैट डेली वेज लेबरर, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसे आपको फोकस करना है, दिस इम्पॉर्टेंट थिंग। 33-year-old Ramsaran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill, Ranchi in Jharkhand. He manages to earn about Rs. 1500 a month when he finds employment, which is not often. Iska matlab ki employment is not regular. So employment is irregular. Irregular employment hai. Yani ki employment bahut hi erratic hai. Erratic hai. This is important thing. और जो उसमें उसको आमदनी हो रही है, कमाई हो रही है, दैट इज़ इनकम, वो भी बहुत ही मीगर है। 1500 rupees पर मंथ, इट्स अ मीगर इनकम। सो मीगर स्केल ऑफ इनकम है, इनकम इरेगुलर है क्योंकि रोज़गार इरेगुलर है, और वो इतनी कम इनकम और इतनी इरेगुलरिटी में इसलिए जी रहा है क्योंकि वो एक वेज बेस्ड लेबरर है डेली बेसिस पे। वो कहीं किसी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में कोई ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई परमानेंट वर्कर नहीं है, ये एक बड़ी परेशानी है। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड टू डिड्यूस फ्रॉम द पैराग्राफ। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ सिक्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फैमिली ऑफ सिक्स यानी कि लार्ज फैमिली साइज, यानी कि पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन, मैनी माउथ्स टू फीड, so large family, this is another issue that we need to discuss, that include his wife and four children aged between 12 year to 6 months. He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. उसे अपने बूढ़े यानी कि एक elderly population भी है उसके परिवार में, ये सब कुछ समाज में है। आप उसके परिवार, उसके केस के बाय इंडिया को इमेजिन करो, तो देर इज एल्डरली पॉपुलेशन जो वर्किंग नहीं है, गाँव में है, जो पूरी तरह से शहर से भेजे गए इसी के पैसों पर टिके हुए हैं। इसका मतलब उनके पास वहाँ कोई रिसोर्स बेस नहीं है। हिज फादर अ लैंडलेस लेबरर, हिज फादर अ लैंडलेस लेबरर डिपेंड्स ऑन राम सरन एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग फॉर सस्टेनेंस। तो इसका पिता दो बेटों पर निर्भर है अपने, एक तो ये खुद और एक इसका भाई जो हजारीबाग में काम करता है। और इसके पिता की एक खासियत ये है कि जो गाँव में उनकी फैमिली है वो लैंडलेस है, यानी कि ये दोनों शहर, दोनों भाई शहरों की ओर इसलिए आए क्योंकि ये लैंडलेस लेबरर परिवार से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब नो रिसोर्स बेस, तो इनके पास कोई रिसोर्स बेस नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए मजबूरी में ये अपने गांव से निकल के शहरों की ओर आए कामकाज करने के लिए। रामसरन लिव्स इन अ वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। इट इज़ अ टेम्प्रेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, यानी कि ये एक ऐसे माहौल में रहता है जो बहुत ही फ्रिजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। सैनिटेशन की कोई सोर्सेज वहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि शैक हाउसेज में रहते हैं, जैसे कच्चे घर, शेल्टर टाइप, जैसे हम स्कैंटी सेटलमेंट्स भी कहते हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स भी कहते हैं, जहाँ पर सैनिटेशन की भारी कमी होती है, बेसिक अम्यूनिटीज़ की भारी कमी होती है। सो नो बेसिक अम्यूनिटीज़, और ऐसे में वहाँ पर भी क्योंकि वो शहरों में है तो ऐसे घरों का भी उन्हें अच्छा खासा रेंट देना पड़ता है। तो इसका मतलब शहर में भी इसके पास नो रिसोर्स बेस, इसके पास कोई घर नहीं है। ओके, तो शहर में भी उसके पास कोई रिसोर्स बेस नहीं है, उसका अपना घर नहीं है, यहाँ पर भी वो डिवाइडेड है, उसे रेंट पे रहना है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर Rs. 800। उसकी पत्नी भी काम करती है लेकिन वो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम करती है, हाउस होल्ड मेड है। दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, बट देर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। इतना नहीं है कि वो पर्याप्त हो, लेकिन किसी तरह से दो वक्त का खाना जुटा पाते हैं, उसमें भी कोई न्यूट्रिशन की भारी प्रचुर मात्रा नहीं है, सिर्फ दाल चावल। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर Rs. 100। बड़ा बेटा जो कि 12 वर्षों का रहा होगा, वो चाय की दुकान पे काम करता है 300 rupees में, इसका मतलब वो पढ़ने नहीं जाता। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग, जो 10 साल की बेटी है वो छोटे बच्चों का ध्यान रखती है, मतलब वो भी पढ़ने नहीं जाती। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, दे हैव ओनली टू पेयर ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ
कपड़ों तक की कमी है। न्यू वंस आर बॉट ओनली वेन द ओल्ड क्लोथ बिकम अनवेयरेबल, जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं तभी नहीं ले पाते हैं। शूज़ आर लग्जरी, जूते उनके लिए लग्जरी हैं, वो तो खरीद पाना ही मुमकिन नहीं है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, यानी कि माल न्यूट्रिशन है, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, एजुकेशन नहीं है। इतनी स्टोरी से हमने कुछ चीज़ें डिड्यूस की, क्या समझाया गया हमें। सबसे पहली चीज़ जिस पर फोकस किया गया वो ये कि वो शहर में रहने वाला एक डेली वेज लेबरर है आदमी। इससे जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो ये कि एम्प्लॉयमेंट इरेगुलर है, एरेटिक है, इनकम बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीगर इनकम है उसकी, शहर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उन खर्चों में प्राइम लोकेलिटीज़ में घर ले पाना बहुत नामुमकिन है, रियल एस्टेट बहुत महंगा है, घर बना पाना तो बहुत ही नामुमकिन है। तो वो इस वजह से जिस तरह के घर में रहता है वो घर भी ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे कोई सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, ऐसे में उसे उसका भी हैवी रेंट पे करना पड़ता है। उसका परिवार है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, वो 6 लोगों का परिवार है, लार्ज फैमिली है, तो ये समस्या पॉपुलेशन की भी है। 2 वक्त का खाना अरेंज हो सके जिसमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इनफ अमाउंट में भी नहीं होता वो खाना, इसके लिए उसकी पत्नी को भी काम करना पड़ता है, वो भी कैजुअल वेज लेबरर की तरह ही काम करती है, हाउस होल्ड मेड के तौर पर 800 रुपया वो कमाती है, तो तब जा करके घर का खाना पीना चल पाता है। 12 वर्ष से लेकर के 6 महीने तक के उसके 4 बच्चे हैं, बड़ा बेटा चाय की दुकान पे 300 रुपये लाता है, मतलब पढ़ने नहीं जाता, 10 साल की बेटी है, छोटे 2 बच्चों का ख्याल रखती है, पढ़ने नहीं जाता, बाकी 2 बच्चे तो पढ़ने के आ ही जाते होंगे, मतलब शिक्षा नहीं है, किसी भी रूप में एजुकेशन नहीं है किसी के पास, इलाज कराने के लिए कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चों को देख करके ऐसा लगता है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करता है। गांव में परिवार है जो कि ओल्ड एज है, वो वर्किंग नहीं है, और वो भी जब गांव में रहते थे तो उनके पास भी कोई रिसोर्स बेस नहीं था, लैंडलेस लेबरर के तौर पर ही एग्जिस्ट किया करते थे, तो उसी वजह से माइग्रेशन भी किया गया होगा। तो नो रिसोर्स बेस इन द सिटी, नो रिसोर्स बेस इन द विलेजेस, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंडेंट ऑन द फैमिली पर्सन हु इज़ वर्किंग, पर्सन इज़ नॉट वर्किंग इन टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, दीज आर द एलिमेंट्स जो एसोसिएटेड हैं पॉवर्टी से। ये चीज़ें गरीबी इस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन सब फॉर्म में। गरीबी माने अशिक्षा, गरीबी माने बेरोजगारियाँ, गरीबी माने कुपोषण, गरीबी माने सेहत नहीं इलाज नहीं, गरीबी माने घर नहीं बेघर, गरीबी माने इलाज नहीं, ये सारे बिंदु हैं जो गरीबी से हैं। पॉवर्टी को देखना है तो इन सब फॉर्म्स में आपको पॉवर्टी मैनिफेस्ट होती दिखेगी, इस तरह से एक्सप्रेस होती है गरीबी। तो ये हैं डायमेंशंस गरीबी के। ओके, अब हम एक छोटी सी कहानी शहर की रूरल एरिया की देख लेते हैं, तो फिर सेकंड केस भी क्लियर हो जाएगा हमें। द रूरल केस, लखा सिंह, हिंदी में पढ़ते तो लखा सिंह लिखा होता, लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। His family doesn't own any land, so they do odd jobs for the big farmers. इनके पास भी वही कहानी है कि कोई ज़मीन नहीं है, बड़े किसानों के लिए काम करते हैं। Work is erratic and so is the income. Work और income दोनों erratic हैं। At times they get paid ₹50 for a hard day's work, but often it is in kind, like a few kilogram of wheat, dal, even vegetable, for toiling in the farm throughout the day. 50 रुपये कहीं दिहाड़ी मिलती है बामुश्किल से, और वो भी ज़्यादातर काइंड की फॉर्म में, सब्ज़ी जो मिल गई, दाल चावल कुछ मिल गया, और वो भी बहुत ही कम, सारा दिन मेहनत करने के बाद। द फैमिली ऑफ 8 लोगों का परिवार है ये भी। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्केयर मील्स अ डे। लखा लिव्स इन अ कच्चा हाउस हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, विलेज के मार्जिन एरिया में, जहाँ पर पॉल्यूटेड सीवरेज या वाटर या ड्रेन्स निकलती हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, मतलब यहाँ पर भी निवास नहीं है, घर नहीं है, मतलब बेघर। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। बुनियादी सुविधाओं को भी पूरा कर पाना नामुमकिन है, गैस स्टोव या फ्यूल बेस्ड इस तरह के स्टोव्स उनके पास नहीं है, लकड़ियाँ चुननी पड़ती हैं, महिलाओं का अधिकतर समय उसमें बर्बाद होता है। थोड़ा बहुत अपने पोषण के लिए, परिवार के खर्चे के लिए जो पशु रखा है, सारा दिन उसका चारा इकट्ठा करना पड़ता है। हिज फादर अ टीबी पेशेंट पास्ड अवे 2 ईयर्स अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। पिता को टीबी था, 2 साल पहले इलाज की कमी के कारण चला गया, मतलब बे इलाज समुदाय।
गरीबी मने बेइलाज, लाइलाज नहीं बेइलाज, इलाज नहीं है। और ऐसे ही हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, माँ भी उसी पीड़ा से ग्रसित है, उसी बीमारी से, और वो भी जल्दी धीरे धीरे जीवन डल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब हेल्पलेसनेस, गरीबी मने हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, कोई जरिया नहीं है अपनी परिस्थिति सुधारने का, मरते हुए देखना है आंखों के सामने, बीमारी से ग्रसित प्राण निकलते देखना है, कोई हल नहीं है क्योंकि इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते आप। पिता भी टीबी से गुजर गए, माँ भी गुजरने ही वाली है, पर देखा जा रहा है कि गुजर जाएगी, तो बेइलाज हो जाता है आदमी, गरीबी मने बेइलाज, क्योंकि परिस्थितियाँ सुधार ना पाना होपलेसनेस, उसी परिस्थिति में विवश होना जीने के लिए, कंपेल्ड होना हेल्पलेसनेस। तो ये एक कंडीशन है। हिज मदर ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वेंट देयर, ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड। गांव में स्कूल था, पढ़ नहीं पाया क्योंकि गरीबी ने उसे कंपेल किया कि छोटी आयु में ही वो काम पे लग जाए परिवार को सस्टेन कराने के लिए। इस तरह से गरीबी अशिक्षा को बढ़ाती है, तो गरीबी कारण है इलिटरेसी का, गरीबी पॉवर्टी इज़ अ कॉज ऑफ इलिटरेसी, और फिर पॉवर्टी कॉन्सिक्वेंस बन जाती है इलिटरेसी का। पॉवर्टी कारण है इलिटरेसी का, गरीबी के कारण पहले तो आप अशिक्षित रहते हैं और फिर अशिक्षित रहने के कारण आगे गरीबी रहती है। तो ये एक तरह का पेरिनियल साइकिल क्रिएट होता है, दैट इज़ द विशियस साइकिल दैट यू क्रिएट। ओके, नेक्स्ट इज न्यू क्लॉथ्स हैपन्स वंस इन अ फ्यू ईयर, कई सालों में एक बार नया कपड़ा कोई बन जाता है। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली, गाँव में अक्सर देखा होगा आपने कि ये कहावतें होती थी, पहले डायलॉग होते थे परिवारी फैमिलियों में कि साबुन तेल था देंडे ना तेनू, ये बहुत है, कोई काम वाला लगा होता था साबुन तेल दे देना उसे, या फिर कह देना इसका साबुन तेल अलग कर दो, इसको साबुन तेल दे दो, मतलब साबुन तेल तक अरेंज करना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती थी जो बाकी तो फसलें सब्जियां जो हैं वो खेतों से मिलती हैं गाँव में, ये चीज़ें जो शॉप से लेनी पड़ती हैं, इसलिए लून तेल, नमक तेल, साबुन तेल, मॉनिटरी आइटम्स, तो इनके बारे में बड़ी कहावतें होती थी कि भाई ये दे रहे हैं बहुत है शुक्र मनाओ, तो ये कहानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, सेम यही कंडीशंस, लैंडलेसनेस है, अशिक्षा है, इलाज नहीं है, बेरोजगारियां हैं, वेतन नहीं है, हेल्पलेसनेस है, कुपोषण है। तो वही चीज़ उसमें बताई गई है कि जब ये आप पढ़ते हैं तो आपको ये ऑब्जर्व होता है कि लैंडलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, दीज आर द थिंग्स जो आपको नज़र में आती हैं। ओके, तो गरीबी का मने हंगर, गरीबी मने भूखमरी, गरीबी मने लैक ऑफ शेल्टर, गरीबी मने बेघर, गरीबी का मने अशिक्षा, गरीबी का मने बेइलाज। तो ये पूरे पैराग्राफ में इसी बात को कंक्लूड करके बताया गया है जो हमने आपको यहाँ पर समझाया दो स्टोरीज के माध्यम से। तो जब भी आप पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी आपको इन फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होती दिखती है, तो सही मायने में हमें इन चीज़ों पर काम भी करना है। अगर हम गरीबी को टारगेट करना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों पर भी काम करेंगे, एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि ये सारी चीज़ें अगर ऐसे ही बनी रही तो पॉवर्टी का साइकिल पेरिनियल हो जाएगा, सदाबहार चलता जाएगा, और व्यक्ति एक वीशियस साइकिल में फंस जाता है, फिर वो बाहर नहीं आ पाता। तो वो वर्चुअस साइकिल में आ पाए, इसलिए इन एरियाज़ पे किसी भी देश की सरकार और कोई भी समाज काम करता है। तो आप देख सकेंगे सरकारें भारत की इन्हीं एरियाज़ में काम करती हैं, आप काम करते हैं हेल्थ केयर में, आप काम करते हैं माल न्यूट्रिशन को दूर करने में, काम करते हैं शिक्षा देने में, आप काम करते हैं वेज लेबरर के रेट तय करने में, आप काम करते हैं निरंतर रोज़गार देने में, जैसे मनरेगा जैसी योजनाएँ आती हैं, आप काम करते हैं आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के घर देने में, आप काम करते हैं उनको सैनिटेशन जैसे कि स्वच्छ जल देने का, जैसे हर घर जल हो नल से पहुंचने वाला, आप उसका काम कर रहे हैं। आपकी कोशिश होती है कि जैसे हमने बाहर स्वच्छ भारत अभियान चलाया कि जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन रहे, सीवरेज साफ़ हो, ओपन डेफिकेशंस ना हो, बेसिक अम्यूनिटीज़ वहाँ पर पहुँचाई जाएँ। आप काम करते हैं कि जो एल्डरलीज हैं उन्हें इंश्योरेंस किया जाए, उनका सीनियर सिटीजन पेंशन लगे, उनका इलाज निःशुल्क हो, उनकी ज़रूरी औषधियाँ उन्हें औषधियाँ केंद्रों से मिले, ये सारी चीज़ों का प्रबंध आप करते हैं। और आप हमेशा प्रयास करते हैं फैमिली प्लानिंग का, परिवार नियोजन का, कि आप ये स्लोगन्स देते हैं हम दो हमारे दो, और आप प्रयास करते हैं कि कैसे प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल हो, कंपलसरी हो। तो ये सारी चीज़ों हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन दो स्टोरीज़ ने हमें ब्यूटीफुली कंक्लूड करके दी,
हमने वहाँ से इन्हें डिवाइस डिड्यूस किया और हमने देखा कि इन्हीं क्षेत्रों में काम करना है तो हम गरीबी को दूर कर पाएंगे, क्योंकि गरीबी इन्हीं पहलुओं से नज़र आती, गरीबी के यही पहलू हैं, यही एस्पेक्ट्स हैं उसके, यही डायमेंशंस हैं गरीबी के। ओके, इस तरह से गरीबी दिखती है, कोई डाउट तो नहीं? तो पहला जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन का, ओवरव्यू का, वो गरीबी को वो आपको आइडेंटिफाई करा रहा था कि आप पहचान सकें कि असल में गरीबी आपके अगल बगल कहाँ है। आपको अक्सर लोग नज़र आ जाते हैं शहरों में, चाहे कोई किसी वेंडर के रूप में काम कर रहा है स्ट्रीट्स पर, सब्ज़ी बेच रहा है, कोई रिक्शा पुलर के तौर पर काम कर रहा है। आपको अक्सर अपने घरों में काम करती हुई मेड नज़र आ जाती होंगी, ढाबों पर छोटी उम्र में काम करते बच्चे नज़र आ जाते होंगे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीख मांगते हुए या गाना गाते हुए बच्चे नज़र आ जाते होंगे। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये गरीबी ही तो है। वो बच्चे स्कूलों में नहीं हैं, उनके स्कूल में होने की उम्र थी, इसका मतलब वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये गरीबी है। वो बच्चे कई तरह से फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं लेकिन वो उसका इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ये गरीबी ही तो है। उनके पास इलाज नहीं है, उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है, ये गरीबी ही तो है। वो फ्लाईओवर्स के नीचे सोने के लिए या रोड साइड फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं, वो बेघर हैं, ये गरीबी ही तो है। वो किसी भी तरह से जो झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर किसी कॉलोनी का या शहर का सीवरेज फ्लो करता है या नाला फ्लो करता है, या रेलवे लाइन के किनारे या किसी छप्पड़ के किनारे, छप्पड़ जो एक वो जो तालाब रहता है जिसमें गांव का सारा सीवरेज जाता है, द बिग पॉन्ड ऑफ सीवेज वेस्ट, वो उसके किनारे अपनी शेंटी सेटलमेंट्स या स्क्वेटर्ड सेटलमेंट्स बसा लेते हैं, ये गरीबी ही तो है। ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई जाएँ तो ये गरीबी है। आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा एक बहुत ही ग्रेव कंडीशन ऑफ पॉवर्टी इन सी इन योर सराउंडिंग। ओके, आपको नज़र आएगा, मतलब समाज को नज़र आता है, मतलब समाज के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। भारत आज 2024 में खड़ा है लेकिन फिर भी एक चुनौती है। आज़ादी के बाद जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा निपट रहे हैं, और आज भी हमारे चुनावी मुद्दों में ये बड़ा मुद्दा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने लगातार ये कहा कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, ये आज भी, मतलब 1950 में भी गरीबी एक प्रबल मुद्दा था, 2024 में भी गरीबी एक प्रबल मुद्दा है। 1970-71 में जब चुनाव होने थे तब तो इंदिरा गांधी का ये स्लोगन ही था कि गरीबी हटाओ, उन्होंने स्लोगन ये दिया कि गरीबी हटाओ, मतलब तब से लेकर के आज दिन तक ये एक प्रबल मुद्दा बना हुआ है। इट्स अ प्राइम इशू इन द इंडियन सोसाइटी, चैलेंज है, हमें इसे दूर करना है। ओके, हमने पैराग्राफ की मदद से इसे देखा, लेकिन अगर हम बात करें कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं, देखो सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को कई तरह के इंडिकेटर्स के वाया अप्रोच करते हैं। देर आर मैनी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, मतलब सोशल साइंटिस्ट जब गरीबी की चर्चा करते हैं तो वो कई तरह के डायमेंशंस पर बात करते हैं, कई एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। उन एस्पेक्ट्स को, उन डायमेंशंस को वो डिफाइन या एक्सप्लेन किनकी मदद से करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स की मदद से करते हैं कि देर आर फ्यू इंडिकेटर्स। उन्हीं इंडिकेटर्स को यहाँ पर लिखा गया है जो हमने अभी लिखा था। वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इलिटरेसी एक इंडिकेटर है, ओके, वो गरीबी को इस रूप में देखते हैं। माल न्यूट्रिशन एक इंडिकेटर है, वो इस रूप में भी देखते हैं। होमलेसनेस एक इंडिकेटर है, इस तरह से गरीबी दिखती है। हेल्थलेस होना किसी का, डिजीज स्ट्रिकन होना, इलनेस रहना और अफोर्ड ना कर पाना हेल्थ, पॉवर्टी इसी में नज़र आती है। एजुकेशन ना हो पाना इसमें नज़र आती है, तो शिक्षा ना हो पाना, रोज़गार ना मिल पाना, रिसोर्सेज ना होना, इलाज ना हो पाना, कुपोषित रहना, क्रॉनिक हंगर रहना, बेघर रहना, निवास ना हो पाना, ये सब चीज़ें ना हो पाना, ये एक सामाजिक वैज्ञानिक इस दृष्टि से इन इंडिकेटर की मदद से गरीबी को देखता है। लेकिन ओवरऑल जब हम किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो किस ग्राउंड पर ये असेसमेंट होती है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने नहीं, उसके लिए जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन को समझने के लिए ज़रूरी एलिमेंट होता है इनकम एंड कंजम्पशन।
अक्सर पॉवर्टी लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जिस इंडिकेटर की ओर जाते हैं वो इनकम एंड कंजम्पशन सिस्टम होता है। ये कैसे काम करता है हम अभी समझेंगे, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हम ये समझें कि सोशल साइंटिस्ट ने समय के साथ साथ जो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी है उसे सिर्फ इन बिंदुओं तक सीमित नहीं रखा जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए, उसने उनको एक्सपेंड किया। सोशल साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो पॉवर्टी है वो कई ऐसे और कारण हैं जिनके कारण एग्जिस्ट करती है। जैसे उसके तहत वो दो विचारों को आपके सामने रखेंगे, पहला विचार होगा सोशल एक्सक्लूजन, दूसरा विचार होगा वल्नरेबिलिटी। इन दो कॉन्टेक्स्ट में भी वो पॉवर्टी को देखते हैं। कैसे, अभी समझ आ जाता है। सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, देखिए मतलब अगर अशिक्षा को दूर किया जाए तो गरीबी दूर होगी, ऐसे ही अगर सोशल एक्सक्लूजन दूर किया जाए तो गरीबी दूर होगी, ऐसे ही अगर वल्नरेबिलिटी को दूर किया जाए तो गरीबी दूर होगी, जैसे कुपोषण को दूर किया जाए तो गरीबी दूर होगी, जैसे बेरोज़गारी को दूर किया जाए तो गरीबी दूर होगी, ऐसे ही इन दोनों को दूर किया जाए तो गरीबी दूर होगी। मतलब गरीबी सिर्फ एक पहलू अशिक्षा का नहीं है, बेरोज़गारी का नहीं है, कुपोषण का नहीं है, बेघर होने का नहीं है, गरीबी एक पहलू सोशल एक्सक्लूजन का भी है, वल्नरेबिलिटी का भी है। ये डेफिनेशंस समय दर समय वैज्ञानिकों ने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने गहरा अध्ययन करके गरीबी की समझ को एक्सपेंड किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी को उन्होंने एक्सपेंड किया, जिसकी मदद से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स निकाले। ये कॉन्सेप्ट्स किस ओर इशारा करते हैं? सोशल एक्सक्लूजन क्या है? सोशल एक्सक्लूजन ये कहता है कि समाज के कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ समुदायों को सामाजिक मुख्यधारा से एक्सक्लूड करना, सोशल मेनस्ट्रीम से एक्सक्लूड करना, सोशल मेनस्ट्रीम एसोसिएटेड बेनिफिट से एक्सक्लूड करना, बेटर ऑफ कम्युनिटी से, बेटर ऑफ सेक्शन से एक्सक्लूड करना। इसका मतलब यह है कि ऐसा पाया जाता है कि जो पॉवर्टी में है, जो गरीब है, पुअर है, वो पुअर लोगों के ही साथ रहेगा, पुअर सराउंडिंग्स में ही रहेगा, उसके सराउंडिंग में जो लोग रहेंगे वो भी पुअर ही होंगे। मतलब जो लोग बेटर ऑफ हैं उनके सराउंडिंग्स अलग हैं, बेटर ऑफ पीपल आर लिविंग इन द कम्युनिटी ऑफ द बेटर ऑफ पीपल, दे आर हैविंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़, दे आर हैविंग बेटर फैसिलिटीज़, दे आर हैविंग बेटर बेनिफिट्स। मतलब वो ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा बेनिफिट्स, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस कर पाते हैं, द बेटर ऑफ पीपल। इसका मतलब वो प्रिविलेज्ड सेक्शन हैं, दे आर नॉट एक्सक्लूडेड सेक्शंस। लेकिन दूसरी तरफ जो पुअर हैं वो उन बेनिफिट्स, उन फैसिलिटीज़, उन प्रिविलेजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते जो बेटर ऑफ लोगों को मिलती है। इसकी वजह से गरीबी एक पेरिनियल साइकिल बनता है, इसकी वजह से गरीबी का विशेष साइकिल चलता ही जाता है, ये कम्युनिटी कभी बाहर नहीं आ पाती, समाज में एक डिवीजन क्रिएट होती है। कैसे? वो उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि इसे इस तरह से ऑब्जर्व करिए जैसा किसी भी एक सोसाइटी में कास्ट सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया जाता है। जैसे भारतीय वर्ण व्यवस्था, भारतीय कास्ट सिस्टम ने एक सिस्टम क्रिएट किया कि जो वर्ग प्रिविलेज्ड रहे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और इवन वैश्य भी, वो वर्ण समाज की तमाम फैसिलिटीज, सुविधाएं, तमाम बेनिफिट्स, यानी कि जितने भी लाभ हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज़, जितने भी अवसर हैं, तो समाज के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड बेनिफिट्स हैं, वो इनके लिए रिजर्व रखे गए, यानी कि ये प्रिविलेज्ड हैं। तो ऐसे में रिसोर्स बेस इनके पास रहा, लैंड इनके पास रहा, एक्सेस टू क्लीन वाटर इनके पास रहा, एक्सेस टू एजुकेशन इनके पास रहा, तो एक बेटर ऑफ कम्युनिटी बेटर लाइफ चांसेस ऑफर करती है आने वाली जनरेशन को। एक पिता के जो चार और पिता से संपर्क हैं, जो चारों आगे बेटर ऑफ ही हैं, वो पिता अपने बच्चे को किसी एक बेटर ऑफ पिता के पास पढ़ने भेज देगा, किसी दूसरे बेटर ऑफ पिता के पास जॉब के लिए भेज देगा, किसी तीसरे बेटर ऑफ पिता के पास इलाज के लिए भेज देगा, किसी चौथे बेटर ऑफ पिता के पास आगे रोज़गार के लिए भेज देगा। इस तरह से वो एक बेटर ऑफ फादर बेटर ऑफ लोगों की कम्युनिटी ही करेगा, संगत ही करेगा, उन्हीं के साथ जिएगा, एक वर्ग ही समाज में अलग क्रिएट हो जाएगा, समृद्ध लोगों का वर्ग, प्रॉस्पेरस कम्युनिटी, प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, और ये हमेशा खुद को